हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई, ये मेरी बाइक है पल्सर आरएस, और मैंने पिछली बार आपको दिखाया था कि मैंने एक मैकेनिक की सर्विस कराई थी। इसका लिंक आपको आई बटन में आ जाएगा। तो भाई, इसका इंजन ऑयल यहाँ से बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, हद से ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम करता हूँ अच्छी तरह। तो भाई, यहाँ पर लीक हो रहा है इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा। तो भाई, बंदे ने काम ढंग से नहीं किया, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम निकली। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई, उस बंदे से ना कराओ। उससे ज़्यादा कॉस्ट उसने ली, जितनी कंपनी वाले कहते हैं उससे ज़्यादा कॉस्ट ली। काम यार उसने नहीं किया उस लाइक, और बाइक के कुछ हिस्सा है गाँव में। तो भाई, देखते क्या बात बनती है। मैं अभी आपको पूरी राय बाइक के ऊपर बैठ के देता हूँ। यहाँ से ऊपर ले जाना बड़ा टफ है भाई। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है भाई। रीज़न क्या है कि यहाँ पर ना थोड़ा मैं आया था गढ़वाल साइड घूमने के लिए, सर्विस कराने गया भाई। 2500-2600 रुपये मेरे लगे सर्विस में, और जो मेरा इंजन ऑयल के जो वो होते हैं फिल्टर होता है, जो मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, इस वाले मैकेनिक से मैंने सर्विस कराई थी मनी माजरा में। अगर आप चंडीगढ़ में रहते तो बिल्कुल मत जाना उस मैकेनिक पर, भाई बहुत बेकार काम करता है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर ली इसके साथ। बाइक ओके चल रही, पहले सेम चल रही थी, अभी भी सेम, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, थोड़ा पिकअप इंप्रूव हुई क्योंकि भाई इंजन ऑयल नया पड़ा है मोटर का, पर इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो भाई प्लीज़ सजेस्ट करता हूँ मैकेनिक पर कभी मत जाना, भले आप बजाज की सर्विस जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वहाँ से करा लो। बहुत सारे सर्विस सेंटर है चंडीगढ़ में, जैसे अपना मोहाली बजाज हो गया, पंचकुला में बजाज का सर्विस सेंटर बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ से करा सकते हैं। और एक बार आप देख लो बाइक के क्या हाल चल रहे हैं। तो गाइस, कुछ ऐसे हाल है यहाँ पर बाइक के, मतलब पूरी यहाँ पर लीक ही हुई जा रही। पता नहीं क्या उसने बंदे ने काम किया, पूरा लीक हो रहा है इंजन ऑयल यहाँ से भाई, उसने काम नहीं किया। और प्लस जो ये बोल्ट देख रहे हो, आपको ये बोल्ट दिख रहे होंगे, तो ये वाले बोल्ट उसने यहाँ से भी चेंज कर दिया। मैं दिखाता हूँ आपको पहले कैसे बोल्ट थे और अब कैसे हैं, दिख रहे होंगे आपको। ये मैंने बाहर से, भाई वाले बोल्ट मैंने यहाँ बाहर से लगवाए, उसने ये भी नहीं लगाए थे। इंजन उसने काम तो कर दिया पर भाई ढंग से काम नहीं किया। प्लस जो मैंने उसकी फेयरिंग सेट कराने के लिए उसे कहा था, तो भाई उसने यहाँ पर देखो क्या हल कर दिया इसके। आपको ये पैनल दिख रहा होगा, ये पैनल आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये यहाँ से पूरा दब गया है, बैंड आ गया इसमें। तो भाई काम बड़ा बेकार किया, गैप भले उसने नहीं भरा पर काम बेकार, मतलब काम ठीक है जितना कर सकता है, और बंदे ने जल्दी में किया, मेरे को बड़ा बेकार लगा इस चक्कर में। तो अब चलते हैं बाइक के ऊपर, बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही मेरे को फेस करनी पड़ रही। तो चलो बाइक के ऊपर बैठ के बताता हूँ मैं। तो गाइस, कुछ ऐसी लोकेशन है भाई, आसपास रोड इतनी प्यारी है, मज़ा आ रहा है लीनिंग करने में। प्लस भाई यहाँ पर जो बाइक की प्रॉब्लम है ना भाई, यही आ रही कि मेरी जो बाइक है ना, इसके जो आगे वो है ऑयल है वो निकल रहा है। तो उसकी वजह से मेरे को डाउट हो रहा है कि भाई कहीं कल के दिन मेरी बाइक में प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि भाई ऑयल नहीं होएगा तो भाई पार्ट्स घिसेंगे, पार्ट्स घिसेंगे तो भाई पार्ट डैमेज होएंगे, तो टूट भी सकते हैं। तो अगर ऐसी जगह पार्ट टूट गया ना भाई, मेरे को बहुत दिक्कत होएगी। वो देखो भाई, यहाँ पत्थर भी इतने हैं ना भाई, जो पूरे बज रहे भाई मेरी बाइक के नीचे। थोड़ा डर लग रहा है कि भाई चैम्बर भी ना लगे, चैम्बर का अगर जो अपना रेडिएटर ग्रिल अगर टूट गया ना भाई, तो यहाँ रेडिएटर ग्रिल भी ठीक नहीं होने वाली है ना, उसका बेल्ट होएगा यहाँ पर, तो भाई वो भी दिक्कत आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम और वो है भाई टीरी डैम, जो आपको दूर दिख रहा होगा वो वाला। तो भाई थोड़ा स्लो ही चलना पड़ता है यहाँ। अगर लेके आओ ना भाई, तो एयर कूल बाइक लेके आओ, वो भी एडवेंचर टाइप की। वो बाइक यहाँ के लिए सक्सेसफुल है, जैसे हीरो एक्सपल्स, ऐसी बाइक है चल तो जाती है, अच्छी चल रही है, अच्छी परफॉर्मेंस है, मनाई नहीं है, पर दिक्कत आ रही है वो मैकेनिक की वजह से, इसमें इंजन ऑयल पूरा लीक हो रहा है। तो यहाँ के नज़ारे लो, नज़ारे के मज़े लो, और मैकेनिक पर चलते हैं, वैसे बोल्ट टाइट करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट थे, एक तो मैकेनिक बहुत बेकार काम कर गया उसको बताना था, दूसरा जो मैंने ये एरिया जहाँ मैं आ रखा हूँ ना, ऐसी जगह में मैकेनिक है नहीं। मैं भी अपने गांव से काफ़ी दूर आ चुका हूँ, आपको पता ही मेरा गांव कहाँ है, मेरे नानी गांव कहाँ है, वहाँ से बहुत दूर आ गया, क्योंकि मेरे को याद है कैमरे में मैंने मेमोरी कार्ड ही नहीं लगाया, तो इसलिए रुका। फिर दोबारा मैंने वीडियो बनाई, जहाँ पर मैं रुका था वो नानी गाँव था, थोड़ा नीचे जा रखा था, ऊपर से वीडियो बना के आया था अपने गाँव से, तो वो वाली सारी मिस होगी फाइलें। तो भाई ऐसा कुछ एरिया है ये देख लो, पूरे वनों के बीच से जंगल रास्ता कट रखा है, और यहाँ पर भाई यही प्रॉब्लम है कि मैकेनिक आपको बहुत दूर जाके मिलता है। तो इसलिए मेरे को ना, इसने मैंने पहले ही कहा था कि भाई मैंने जाना बहुत लॉन्ग राइड पे, काफ़ी दूर जाना है जहाँ पर मैकेनिक मिलता ही नहीं है, तो आप थोड़ा काम चल से करना, बढ़िया सा करना। पर बंदे ने भाई काम इतना बेकार किया कि भाई खुंदक आ रही है, क्या बोल सकता। पर भाई जो भी है, मैं तो मेरे भाई को सजेस्ट कर लिया कि भाई आप भी मत काम कराना इससे, ये बंदा जल्दी में कुछ भी कर जाता है। जल्दी देखो, पैसा कमाना या सब ने कमाना, टाइम सब दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा तैयार कि आप जल्दी में रहें, सब कुछ काम खराब कर दो दूसरों का, तो इसलिए खुंदक आती है। नेक्स्ट टाइम मैंने एक जो मेरा मैकेनिक है, मैंने आपको दिखाया था मोनू भाई, राम लिखवाणा बैठता है, उसी से कराऊंगा भाई, वो थोड़ा सही भी काम करता है, उसी से कराऊंगा इसका काम, जो भी कराऊंगा उसमें मेरे को भरोसा है। अगर कुछ हो भी गया तो रात को 2 बजे अगर फोन कर दो ना, भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, कैसा काम करके दिया, कहता भाई कल बाइक लेके आ जाइए, छोड़ जाइए, शाम तक तेरे सारे काम निकाल दूंगा, 1 रुपये भी नहीं लेगा, ऐसा बनता है। अगर उसके बाद दोबारा जाऊंगा ये काम लेकर, 50-100 रुपये और ले लेगा कि भाई मैंने काम किया दोबारा। तो गाइस, ये यहाँ पर टेरी डैम, पहले यहाँ पर हमारी मार्केट में हमारी शॉप हुआ करते थे, मेरे डैड चलाते थे, बहुत पहले की बात है। तो ये जो खेत दिख रहे हैं आपको, पहले वहाँ पर मार्केट हुआ करते थे उसके नीचे, तो पूरे टेरी डैम में मतलब डूब चुका है। तो यहाँ पर पहले बहुत सही से खेती बाड़ी हुआ करते थे, अच्छे फसल हुआ करते थे, उसके बाद लोग जब ये टेरी डैम बनना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर जो खेत थे सारे भाई भगा, मतलब पैसे दे के निकाल दिए गए थे, अपने गाँव से बेघर कर दिए गए थे।
तो उस टाइम लोगों ने यहाँ से बाहर जाना प्रेफर किया और बहुत सारे लोगों को हरिद्वार में और उधर जगह मिली है, पर उन्हें मज़ा नहीं आया वहाँ पर, उन्होंने जमीन बेच के यहीं ऊपर ही अपना घर निकाल दिया। तो भाई ये भी काफ़ी अल्टीमेट हिस्ट्री रही, इसके पीछे बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो हुए थे, धरने बिठाए गए थे कि भाई टी डैम नहीं बनना चाहिए, पर ये बना भाई काफ़ी सही है, बना ठीक है, पर यार जो मतलब यहाँ के लोग हैं ना, ये इनको कुछ सुविधा ही नहीं मिलती इस डैम बनने के बावजूद, ना यहाँ पर हॉस्पिटल है पास आसपास, ना यहाँ पर रोडें ज़्यादा अच्छी है, अभी बन रही है कुछ टाइम पहले बनी है, एक दो साल पहले, उससे पहले भाई यहाँ पर पैदल सवारी होती है सब कुछ, और नदी में ना कोई पुल बना रखा आसपास ना कुछ, जहाँ से मतलब आपको जाना है तो भाई काफ़ी किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, तो जब आपको दो पुल मिलेंगे एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है तो भाई एक पुल बीच में भी लगाऊं ताकि बीच वाले भी पहुंच सके, पर उन्होंने दो पुल बना रखे बस पूरे एरिया में, तो ये भी था पर, और काफ़ी अल्टीमेट व्यू है भाई यहाँ पर। पर आज मैकेनिक पर जा रहा हूँ भाई, दुख तो इसी बात का है यार बाइक ठीक होती है ना, मैं थोड़ा घूमा जाता आसपास, तो चलो मैकेनिक पर चलते हैं, और क्या कर सकते भाई। तो गाइस ये यहाँ पर चारधाम जो रोड जाएगी ना उसके लिए ये बनाई जा रही है, फोर लेन बनाई जा रही है, तो काफ़ी चौड़ा कर दिया इसे, DRDO बना रहा है जो अपना आर्मी के लिए रोड बनाते हैं, तो वो बना रहे हैं, काफ़ी चौड़ी रोड, काफ़ी सही रोड बना रहे हैं। तो यहाँ आगे कहीं मैकेनिक है काफ़ी दूर है, तो वहाँ जाना पड़ेगा मेरे को उसके लिए, एक तो यहीं पर मैकेनिक हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो मैकेनिक की मैकेनिक है या मैकेनिक यहीं पर है भाई मैकेनिक। पता करते फिर आपको बताता हूँ मैं। ओ भाई ये क्या है भाई, खत्म हो रखी है यहाँ पर सॉरी। तो गाइस पैकिंग यहाँ पर भी नहीं मिलेगी, हमें चिंगाड़ी छोड़ी जाना पड़ेगा। यहाँ से क्रॉस करके निकलना है और यहाँ पर पुलिस चौकी है भाई इनकी, चिनाली सोड वालों की, तो यहाँ से निकल के हम सीधा मार्केट में एंटर करेंगे। काफ़ी बड़ी मार्केट है भाई, काफ़ी बड़ी, जो कहते हैं ना जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया उससे दुगनी बड़ी मार्केट है भाई ये, तो देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा रोड भी छोटी है तो सारे धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले कभी भी चलान काट सकते हैं ओवर स्पीडिंग का, और मास्क का तो खासकर भाई, मास्क का चलाना यहाँ गढ़वाल साइड सस्ता करा हुआ है, 100 रुपये का चलाना है हमारे चंडीगढ़ में मतलब 500 रुपये लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सस्ता ही है। चलो ठीक है भाई, यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है इतना, कि ना जॉब भी नहीं है भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जॉब भी नहीं है, जो ये काम है रोड बनाने वाला ये भी बाहर के बंदे आ रखे हैं, लोकल को लेते नहीं है। यह है भाई चिन्नली सोड़ के एंट्रेंस पॉइंट, ये जा रही ऊपर को एक रोड जो यहाँ चारधाम यात्रा के लिए जाएगी, पर हमें ऊपर नहीं जाना, हमें नीचे जाना है। नवी रोड कटी है, काफ़ी अच्छा है रोड कट गई यहाँ पर एक, कभी घूमने जाएंगे तो जाएंगे इस रोड से, अभी तो जो है जरूरत नहीं, अभी यहीं से जाएंगे, इसलिए रोड काटी गई भाई ताकि जो मार्केट है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है आर्मी के लिए, तो वो अंदर से लेके गए आर्मी कैंट के लिए, तो काफ़ी अच्छा ट्रैफिक देख सकते हो आप यहाँ पर इतना है, तो अगर आर्मी को जल्दी पहुँचना है तो भाई बाइक का काम होता भाई, बाइक का काम ढूंढते फिर चलते उसके पास। बाइक वाली शॉप दिखी नहीं थी भाई यहाँ आसपास कहीं पर भी, यार पुलिस वाले भी रोक रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी अभी दिखा दो सर, ये
गाइस बच गया भाई मैं, मेरे जो डॉक्यूमेंट सारे वो घर छूट गए, पता नहीं कहाँ रह गए यार। मैं लेके तो आया था सारे डॉक्यूमेंट, सब पता नहीं कहाँ रह गए। अगर ऐसे रहा भाई तो सारे अप्लाई करने पड़ेंगे मेरे को दोबारा, क्योंकि मैंने घर जाके ढूंढना पड़ेगा मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ रह गए, मेरे खुद नहीं पता यार। ये भी बड़े गंदी क्लोल है भाई यार, कहाँ रख दिए मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने यार। ये रहा भाई, कहाँ लगा दू, आगे ले आगे लगा दू। वो मेरा इंजन लीक हो रहा है यार, ऑयल फिल्टर वो है ना सील खराब हो रखी है, लगा दू आगे है, थोड़ा साइड में कर देता हूँ मैं पहले। तो गाइस काम तो हो गया भाई, थकावट बहुत हो जाती भाई। तो यार पुलिस वाले भाई इनसे भी बच के तो आ गया था मैं, उनसे टाइम लेके दोबारा वहीं से जाना पड़ेगा। और काम हो गया भाई, 30 रुपये लगे मेरे, बॉन्ड लगा दी ताकि उसकी सील थोड़ा ठीक हो जाए, पर अब घर जा रहा हूँ मैं वापस। चेक करा लेता सर, थैंक यू। वो भाई दोबारा रोक दिया उन्होंने, आने जाने दोनों टाइम पे रोक रहे हैं, तो कहा मैंने चेक तो करा देता भाई, तो कह रहे ठीक है जाओ। ठीक है यार, यहाँ के पुलिस वाले काफ़ी अच्छे हैं, हरियाणा और पंजाब के जो है ना भाई बड़े बकवास पुलिस वाले हैं, उनसे तो लाख गुना बढ़िया पुलिस वाले हैं ये अपने गढ़वाल के, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छे हैं, बात करके मज़ा आता है उनसे, लगते नहीं किसी से पुलिस वाले भाई, एक नॉर्मल से एक बंदा होता है, नॉर्मल पर्सन होता है, इसकी तरह ही बिहेव करते हैं। तो भाई सब चलते हैं वापस, और वापस का सीन दिखाता हूँ मैं आपको। तो मिलते रास्ते में, यहाँ मार्केट तो आपने देख ही ली है ऑलमोस्ट, तो ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया, पर यार थोड़ा मेरा रत यही था कि आपको सच बताना था जो मेरे साथ हुआ है, आपके साथ ना हो। तुम जब कोई मैकेनिक सर आते हो तो एक बार से बोल दो भाई कि जो उसकी सील है इंजन ऑयल वाली, ऑयल फिल्टर वाली, तो वो जरूर चेक कराना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसमें बॉन्ड लगता है जिसकी वजह से वो ऑयल को रोकती है। इस बार उन्होंने लगाया नहीं और भाई वो पूरा लीक हो रहा था टाइम के हिसाब से, तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, और मिलते किसी और वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।